Welcome to Grammates. Learn with your grammar mates. Okay, so today we are going to discuss about the phrasal verbs. First of all, let me tell you what are phrasal verbs. So a verb that is combined with an adverb or a preposition or sometimes both to make a new word, which is that is known as phrasal verbs. Okay, such as break in, bring somebody down, turn something down, take somebody out, run out, put up with somebody, put something off, get away with something. Okay, first let me tell you the meaning of break in phrasal verb is force entry to a building, yani ki kisi ki ghar mein, kisi building mein chupke se ghusna. For example, he broke in my room to find out my papers. वो मेरे रूम में चुपके से घुसा पेपर्स ढूंढने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ब्रिंग somebody डाउन, मेक अनहैप्पी, किसी को निराश कर देना. फॉर example, रितुल brought संस्कार डाउन बिकॉज ऑफ हर इंसल्ट. ठीक है, इसका मतलब ये है रितुल ने क्या किया, संस्कार को निराश किया क्योंकि उसके इंसल्ट की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट वन इज टर्न समथिंग डाउन. टर्न समथिंग डाउन का मतलब होता है टू रिफ्यूज, किसी को मना करना. फरहान टर्न मी डाउन फॉर हेल्पिंग मी. ओके, बाय द वे फॉर हेल्प मतलब हेल्प के लिए हम न्यू वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज लैंड अ हैंड, फॉर लैंडिंग मी अ हैंड. नेक्स्ट इज टेक समबडी आउट. टेक समबडी आउट मीन्स पे फॉर समबडी टू गो समवेयर विद यू. आप किसी को जब बाहर ले जाते हो तो बाहर ले जाने के बाद आप क्या करते हो, उसका खर्चा खुद उठाते हो. ठीक है, आप पे करते हो उसके लिए. सो उस टाइम पे हम इस फ्रेजल वर्ब को यूज कर सकते हैं, टेक समबडी आउट. कैसे, जैसे संस्कार टुक अस आउट फॉर एंजॉइंग द पार्टी. ओके, संस्कार हमें बाहर लेके गया पार्टी को एंजॉय करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट रन आउट. रन आउट मीन्स हैव नन लेफ्ट, जब आपकी चीज़ें खत्म हो जाती हैं. जैसे करेंटली ही इज रनिंग आउट ऑफ मनी, अभी उसके पास पैसा खत्म हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज पुट अप विद समबडी समथिंग. ओके, इट मीन्स टोल रेट, जब आप किसी को टोल रेट यानी सहन करते हो, बेयर करते हो. ठीक है, तो तब हम क्या फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं, पुट अप विद समबडी की जगह पे. आप क्या, जैसे मैंने अभी आपको वर्ड्स बताया ना, समबडी समथिंग, तो यहाँ पे क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, वो फ्रेजल वर्ब आप जिसके ऊपर यूज कर रहे हो. जैसे पुट अप विद, आप किसके साथ सहन कर रहे हो. जैसे अब मैं जॉब का एग्जाम्पल लेती हूँ, प्राइवेट जॉब. दीज डेज आई एम हैविंग टू पुट अप विद माई न्यू जॉब बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी ऑल्टरनेट ऑप्शन. करेंटली क्या हो रहा है, मुझे अपनी न्यू जॉब के साथ सहन करना पड़ रहा है, टॉलरेट करना पड़ रहा है, बिकॉज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि मेरे पास अनदर जॉब का ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट इज पुट समथिंग ऑफ. पुट समथिंग ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, यानी कि चीज़ों को टालना. जैसे वेन एवर आई टॉक टू हिम अबाउट एनी काइंड ऑफ पार्टी, ही ऑलवेज पुट्स मी ऑफ. जब भी मैं उसे किसी टाइप की पार्टी के बारे में बात करती हूँ, वो हमेशा टाल देता है. ओके, नेक्स्ट वन इज गेट अवे विद समथिंग. इट मीन्स डू विदाउट बींग नोटिस और पनिश्ड, बिना नोटिस में आए कोई चीज करना. ठीक है, इट मीन्स गेट अवे विद समथिंग. शी यूज टू गेट अवे विद हर डीड्स. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, Grammates. We made those who made nation.